और आप देख रहे हैं लाइबास फूड हब। आज की इस वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बिना ओवन के बहुत ही आसानी से घर में बन जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल में एक अंडा लिया है और इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब चीनी के डाल रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं वनीला एसेंस डालूंगी। ये बिल्कुल आसानी से बाजार से मिल जाता है, तकरीबन 100 की ये बोतल मिल जाती है आराम से। इसके 4 to 5 ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, ये तकरीबन 1/3 टेबल स्पून है। ये मैं इसमें ऐड करूंगी और सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इलायची वाला दूध ले रही हूँ, आप सिंपल भी ले सकते हैं अगर आपको इलायची फ्लेवर नहीं पसंद है। यहाँ पर तकरीबन मैं 5 चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ। इसको मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, इतना मिक्स करूँगी कि ये डबल हो जाए, इसकी जो अच्छी सी एक फॉर्म बन जाए। यहाँ पर ये इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए मिक्स करूँगी। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें, मैं इस तरह से मुसलसल इस तरह मिक्स करती रही हूँ और यहाँ पर क्वांटिटी में डबल हो चुका है। ये स्टेप आप लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारा बाद में स्नैक्स हैं, जो हम टी केक बना रहे हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जो फ्लफी सा बनेगा। तो ये स्टेप आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब मैदा डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी और एक थिक सा बैटर हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और यहाँ पर देखें, बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल हमने ओवर मिक्स नहीं करना, ये ना हो कि यहाँ पर भी हम मिक्स करते जाएं, जिसकी वजह से बाद में जो हमारा केक होगा वो सख्त होगा। जो हमारे केक सख्त बनते हैं उनकी यही वजह है कि हम बाद में जब मैदा डालने के बाद बहुत ज़्यादा मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर साइड पर लिया है। इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब जो है कोको पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल चॉकलेट भी डाल सकते हैं। यह हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सैंडविच मेकर लिया है। इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर रख दी थी, आप कोई भी पेपर रख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपने इस तरह कर लेना है, क्योंकि इससे पहले हमने इसमें सैंडविच बनाए होंगे तो एक स्मेल आ रही होगी, जिसकी वजह से स्मेल अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप इसको जो है ओवन में बेक भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास ओवन नहीं है तो पतीले के अंदर रख के आप बना सकते हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है कि पतीले के अंदर हम किस तरह से केक बेक कर सकते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी सैंडविच मेकर में बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब ऑयल जो है वो डाल दिया। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल भी नीचे चिपकेगा नहीं और ईजिली निकल आएगा। यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। अब हम इसमें बैटर डालेंगे।
हमने चॉकलेट वाला बैटर बनाया था उसको हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे और ये डिज़ाइनिंग आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी आप कॉमन पिन ले सकते हैं या आप कोई स्टिक टूथपिक कुछ भी इस तरह लेके फिर आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बंद कर देंगे और अब हम इसे ऑन करेंगे। ये पहले ऑन नहीं था। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। हमने इसकी लाइट के ऊपर नहीं जाना क्योंकि लाइट जो है वो 1 मिनट में चल जाती है। हमने इसको 5 मिनट के लिए रखना है और ये हो जाएगा आराम से। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर मैंने और डिफरेंट डिज़ाइनिंग भी की थी। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बहुत ही आराम से निकल आएगा और बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट और ईजिली ये निकल आया। यहाँ पर जो है मैंने डिफरेंट जो है केक बनाए थे। यहाँ पर जो है एक मैंने चॉकलेट में बनाया था। चॉकलेट बैटर डाल के ऊपर से वनीला इस तरह से डाल दिया था। आप जो है किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या तो चॉकलेट भी बना सकते हैं या तो वनीला भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मज़ेदार और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी। और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से फ्लफ़ी और स्पॉन्जी। ये बिल्कुल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने जब स्टार्ट में वो जो अंडा और दूध का वो जो बैटर था उसको हमने डबल किया है, उस वजह से ये बिल्कुल यहाँ पर फ्लफी सा तैयार हुआ है। ये बहुत ही मज़े का है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।